इसी मशीन पर लोहे की भी चेन बन रही है, इसी पर पीतल की, तांबे की, एल्युमिनियम की, सोने की, चांदी की, मतलब ये है कहने का। बिहड़ में बागी होते डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। झूठ आने वाला है, बंद कर देना। झूठ आने वाला है बंद कर देना। बंद करो बस, ठीक है। जोहार झारखंड आप सभी लोगों को। भाई मुझे तो संथाली नहीं आती, झारखंड में आया हूं तो झारखंडी में प्रणाम करना तो बनता है भाई लोगों। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम झारखंड में क्यों है। हमारे पास बॉस है, क्या नाम है आपका? मिथुन मनैया। क्या माहिला? मिथुन भाई ये मिथुन भाई है ना, इन्होंने लिया एक हमसे मशीन। और चाचा है हमारे, चाचा को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बताऊंगा क्या दिक्कत है। तो इन्होंने लिया ये मशीन, और आज का जो शॉर्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आप जो गलती इन्होंने की है ना वो आप मत करना। मशीन लो लेकिन जो ये गलती कर गए हैं वो आप मत करना। हाँ भाई, क्या गलती की आपने? तो हमारे पास भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं इन्होंने लिया है मशीन। और भाई साहब ये मशीन लिया है इन्होंने, पहले बोला था इंग्लिश चैन का। इंग्लिश चैन जो होता है वो आपको बता देते हैं, ये वाला लिया था, ठीक है, कमल अमल बनाने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, इनके मन में फटाक से एक विचार आ गया कि भाई मुझे तो ये मशीन जो है इंग्लिश की बजाय बिच्छा चाहिए। तो इंग्लिश मशीन है ये, देखिए यहाँ ये कैम आप देख पा रहे हैं, इंग्लिश का कैम है, इंग्लिश मशीन है। थोड़ा सा पट्टा उतारते हैं, इंग्लिश मशीन है। इनके कहने पे मैंने बनाया इसको, करब का मशीन। तो करब के मशीन के लिए मैंने क्या क्या करना पड़ा वो बताऊंगा आज वीडियो में। आप भी अपनी मशीन को करब बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाला बटन दबा दो, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करो। और ये भाई साहब हैं गोड्डा से, इनके साथ खड़ा हूँ मैं, ये गोड्डा के भाई साहब हैं। और अभी हमें गोड्डा में, और जो मशीन लिया था एंकर पे, ये एंकर का कैम लगा हुआ है। इसका करब बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये पत्ती खोलनी पड़ती है, जो कैम है एंकर का वो पत्ती खोलनी पड़ी, ठीक है। और ये ठोकर वाला कैम है, इसको घुमाना पड़ा। लेकिन भाई करब तो बन गई, लेकिन अगर आपको, आप अनाड़ी हो, मशीन अच्छे से चलानी है, मोटे आइटम पे है, तो कभी भी आप ये गलती मत करना, एंकर है उसको एंकर रहने दो, करब है करब रहने दो। क्योंकि करब तो हमने बना दी लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ ये मुझे एक बार फिर बुलाएंगे और कैम लेके आने पड़ेंगे, फिर इसको दोबारा से हम करब बना देंगे। और इस मशीन की सबसे अच्छी बात यही है कि आप इसको कितनी भी बार खोलो कसो ये मना नहीं करती है। किसी भी आइटम पे साइज चेंज करो, मोटी पतली करो, एंकर से करब बनाओ, करब से एंकर बनाओ, डिस्को बनाओ, कुछ भी आइटम बनाओ, बस आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए बनाने की। तो मशीन बहुत ही अच्छी है, और भाई साहब को ये मशीन पड़ गई बिल्कुल फ्री में। फ्री में कैसे मिली है, मेरा नंबर दिख रहा है, अगर आपको भी फ्री में लेनी हो तो नंबर पे कॉल करना। मशीन मिली है बिल्कुल फ्री। और भाई साहब इनकी जो चांदी है, और जो भाई साहब ये चैन है ना, ये तार जो है, अब मैं क्या बोलूं, आपको कितने का लग रहा है जो आपका तार है? ये पूरा प्योर 100 का है, ये जस्ती है, जस्ती KTM नहीं है भाई साहब को, जस्ती है क्या है ये? जस्ती है। और दूसरी बात ये है भाई, मशीन में चाहे आप 30 टंच का बनाओ या 0 टंच का बनाओ या 100 का बनाओ, 50 का बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोहे की है, ये बनाने से मना नहीं करती। दूसरी चीज, आगरा में आइएगा तो इसी मशीन पर लोहे की भी चैन बन रही है, इसी पर पीतल की, तांबे की, एल्युमिनियम की, सोने की, चांदी की, मतलब ये है कहने का। ये ऐसी मल्टीपर्पज मशीन है कि आप इसमें जिस धातु का तार बना के डाल दोगे उसी की ये चैन बना देगी, ये मना नहीं करती है। दूसरी वजह ये भी है, दूसरे शब्दों में कहूँ स्पष्ट रूप से, तो जिस धातु का आप तार बना सकती हैं उसकी चैन भी बन जाएगी। तो ऐसी है ये मशीन, ठीक है। तो अगर आपको भी मशीन के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। अभी आपको जो भी लेनी हो ना मशीन, इंग्लिश पे लेनी हो तो उसको इंग्लिश पे लीजिए, इंग्लिश पे ही रहने दीजिए, करप पे लेनी हो करप पे रहने दीजिए। इसमें बहुत दिक्कत आएगी चलाने में, अगर प्रॉपर तरीके से चलानी है तो जो है उसी पे चलाइए, अगर बारीक आइटम है तो आप चला सकते हैं। तो चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर कोई सीखने वाला आपको टॉपिक चाहिए तो हमें आप कमेंट में बताइए कि हमको ये सीखना है, मशीन खरीदनी है, तो नंबर दिख रहा है फ़ोन करिए, फ्री में लेनी है तब भी फ़ोन करिए। थैंक यू।